पर जॉय कल केटी बंदर से टकराएगा। साहली इलाकों पर असरात पड़ना शुरू। ठट्ठा में तेज हवाओं के साथ बारिश। समंदर में तुगयानी। हिफाजती बंद का आधा हिस्सा टूट गया। कई देहात जेरे आब। दीगर साहली शहरों में भी बारिश। कराची के कई इलाकों में भी बूंदाबांदी। कल से तेज बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खतरा। हॉक्स बे पर समंदर की लहरें बुलंद। पानी सड़क पर आ गया। समंदर की जाने वाले रास्तों पर पुलिस के पहरे। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 17 अफराद जेरे हिरासत। कल से समुद्री तूफान की शिद्दत में कमी का इम्कान। कैटेगरी 3 से कम होकर कैटेगरी 2 में तब्दील हो जाएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर की पेशगोई। वाइपर जाए कराची से 340 और ठट्ठा से 355 किलोमीटर दूर। शिद्दत बरकरार। 30 से 40 फीट बुलंद लहरें। 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। प्राइवेट और छोटे जहाजों की उड़ान पर पाबंदी आयद। कमर्शियल परवाजों पर शाम तक फैसला मुतवक्के। समंदरी तूफान। साहली इलाकों से आबादी का इनखला तेज। 64,000 से ज्यादा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। NDMA में समंदरी तूफान की मॉनिटरिंग। सैटेलाइट के जरिए सूरतहाल का जायजा। 77 से जायद कैंप्स कायम। शेर रहमान कहती हैं बाइपर जॉय बराए रास कराची से नहीं टकराएगा। असरात बारिश की सूरत में होंगे। अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। वाइपर जाए कल भारत की साहली पट्टी से टकराएगा। सौराष्ट्र और कच्छ में रेड अलर्ट। समुंदर में तुगयानी। तेज हवाओं के साथ बारिश। दरख्त गिर गए। ट्रैफिक का निजाम मुतासिर। घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद हलाक। मुल्क ट्रांजैक्शन के मरले में है। शिकायत के बजाय हौसला और सबर से काम लेना चाहिए। सूरतेहाल से निपटना सीखें। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अटर्नी जनरल से कल दलाइल तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। 184(3) का दायरा कम करना है तो खुशामदीद, लेकिन आईनी तरमीम से करें। देख रहे हैं क्या पार्लियामेंट रिव्यू स्कोप बढ़ा सकती है। नजर सानी के आईनी तकाजे हैं मगर उसे अपील में बदला नहीं जा सकता। गुर्बत तो कम नहीं हुई मगर गुर्बत कम करने के लिए बनाए गए इदारों के अफसरान अपनी गुर्बत कम कर रहे हैं। लाखों की तनख्वाह ले रहे हैं। नौकरियां बचाने के लिए दालतों से स्टे ले रखा है। अदलिया इस जुर्म में मुलव्वस है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असेंबली में खिताब। कहा 75 साल से बजट में तब्दीली की कोशिश नहीं की गई। इसहाक डार ने नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश की। जो सूद अदा करना है वो हमारी आमदन से ज्यादा है। दो इदारों का कर्ज 1,000 अरब से जायद है। जितनी जल्दी डिस्पोजल हो जाए बेहतर है। मई को जो वाकया हुआ पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया। हकायक बता रहे हैं कि किस तरह उसने पाकिस्तान को बदनाम किया, किस तरह पाकिस्तान के वकार को खाक में मिलाने की कोशिश की। ये काम सिर्फ सिर्फ वतन दुश्मनों का होता है। जब तक कि किसी मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होता माशी इस्तेकाम आ नहीं सकता। हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि IMF के साथ ये मुआहदा हो जाए। 9 मई को पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया। वतन से मोहब्बत करने वाला ऐसे वाकयात का सोच भी नहीं सकता। चेयरमैन PTI ने पाकिस्तान का वकार खाक में मिलाने की कोशिश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं सियासी इस्तेहकाम तक माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। जब दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा होगा तो कौन सरमायाकारी करेगा। रूसी तेल आलमी मार्केट से $15 फी बैरल सस्ता है। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। पूरी कोशिश है मुआहदा हो जाए। तीन दफा एक वीक में IMF बोर्ड मीटिंग कॉल हो सकती है और होती है।
खासतौर पे उनका कंसर्न जो है इज द टैक्सेशन साइड। पावर सेक्टर पे भी हमसे डिटेल में कुछ चीजें बात करेंगे मजीद। हम उनसे ये कह रहे हैं अब हम पाकिस्तान को इकोनॉमी थोड़ी ग्रोथ की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। IMF को अखराजात और टैक्सेस के मामले पर तश्वीश है, बास चीजों पर वजाहत मांगी। स्ट्रेटेजिक लेवल पर अखराजात समेत दीगर अदाद शुमार पर तकनीकी बातचीत हो रही है। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं IMF पार डिवीजन स्टेट बैंक से भी बातचीत करेगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास किसी भी वक्त हो सकता है। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का फैसला नहीं किया, सिर्फ कानून में गुंजाइश रखी। जरूरत पड़ने पर ऊंच नीच करेंगे। पाकिस्तान को IMF और आलमी बैंक की इमदाद फराहमी में किरदार अदा करें। रुकने कांग्रेस और ग्रीन का बाइडन इंतजामिया पर जोर, कहा पाकिस्तान पहले ही सैलाब से मुतासर है, इस वक्त इमदाद की शदीद जरूरत है। वजीर खजाना जेनेट येलिन बोली अमरीका IMF के पाकिस्तान में काम को सपोर्ट करता है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नो पर खर्च की जाएगी। 55 लाख अफराद को फायदा पहुंचेगा। ओपन मार्केट में रुपया मजीद तगड़ा, डॉलर 3 रुपए सस्ता 295 रुपए में ट्रेडिंग। दो दिन में डॉलर 10 रुपए गिर चुका। नौ मई के वाकयात में मुलव्वस शरपसंदों के गिर्द घेरातंग। फसादात में मुलव्वस मजीद 3,280 अफराद की शनाख्त, 1,767 गिरफ्तार। दीगर की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें, मुकदमात में नामजद भी कर दिया। रावलपिंडी में पुलिस अफसरान और लीगल टीम की बैठक, गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त परेड के दौरान निशानदही न होने पर तश्वीश। शहरियों को बगावत पर उकसाने का इल्जाम, साबिर शाकिर मोहित पीरजादा और सैयद अकबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी बगावत की दफात शामिल। FIR के मुताबिक मेलोडी चौक में तोड़ फोड़ करने वाले इन तीन अफराद से हिदायत ले रहे थे। मुस्लिम लीग नून के पार्टी इंतखाबात 16 जून को होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने का इम्कान। एहसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। मरियम नवाज और हमजा शहबाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाया जा सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरतेहाल पर तफसीली मुशावरत और गुफ्तगु। MQM का सिंध के शहरी इलाकों के लिए तरक्याती मंसूबे शामिल करने पर वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। कराची का मेयर कौन, फैसला कल होगा। पोलिंग KMC हॉल के बजाय आर्ट्स काउंसिल ऑडिटोरियम में होगी। जमात इस्लामी की मेयर कराची के इंतखाब पर हुक्म इम्तिना के इस्तेदाम मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अगर मामलात जेरे इल्तवा रहे तो मकामी हुकूमत कौन चलाएगा। जमात इस्लामी का इंतखाबात मुलतवी करने का मशवरा। पीपल्स पार्टी को वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने की पेशकश। हाफिज नईम और रहमान बोले नहीं चाहते शहर मजीद तबाहाली का शिकार हो। कराची की तरक्की के लिए साथ काम करने को तैयार हैं, नहीं चाहते अदालत से रुजू करें और इंतखाब कल अदम हो जाए। नासिर हुसैन शाह बोले हाफिज नईम जहनी तौर पर मेयर बन चुके, इखलाकी तौर पर मेयर हमारा होना चाहिए। जमात इस्लामी को डेप्यूटी मेयर की ऑफर कर चुके, फैसला कल हो जाएगा। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग बढ़ गई। शॉर्टफॉल 6,540 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरों में 6 से 8 घंटे, देहात में 10 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग। खून और प्लाज्मा अतिया करो, जिंदगी बांटो। आज खून के अतियात का आलमी दिन। पाकिस्तान में 3% से भी कम अफराद खून का अतिया करते हैं। माहिरीन सेहत कहते हैं कि मरीजों को बचाने के लिए खून की हर वक्त जरूरत होती है। खून के अतियात से लाखों जानें बचाई जा सकती हैं।